तो दोस्तों ये है सैमसंग का फ़ोन। अब हम करेंगे इसकी डिस्प्ले चेंज, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बंद हो चुकी है। अब आपके सामने खोलते हैं ये फ़ोन को, ये इसकी डिस्प्ले रही। अब हम नई डिस्प्ले डालेंगे, ये मतलब ब्लाइंड हो चुकी है, अंधी हो चुकी है डिस्प्ले, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपके सामने पूरी प्रोसेस देखे, ये बैटरी निकाल ली हमने इसकी पहले, ये देखिए पूरा डिस्प्ले कैसे खोलते हैं। ये फ़ोन को निकाला, ये डिस्प्ले निकल गई, ये इसका डिस्प्ले है, ये भाई ने साइड में रखा। अभी इसको देखो, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि डिस्प्ले कैसे लगाया जा रहा है। पहले ब्रश से साइड में साफ किया जाएगा इसको, पूरे फ़ोन को ध्यान रखें, साफ करते टाइम कैमरे का ध्यान रखें, लेंस पे ब्रश नहीं मारें, कैमरा ख़राब हो सकता है। साइड साइड में करें सफाई क्लीन। पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा नॉर्मली डिस्प्ले कैसे खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है। ये इसका गम है, ट्यूब जो कि पूरी बॉर्डर पे लगाई जाएगी, उसके बाद डिस्प्ले चिपकाया जाता है। ध्यान रखना कभी फेविक डाल के अपना फ़ोन का डिस्प्ले मत चिपकाना, फ़ोन ख़राब हो सकता है। इसका स्पेशली गम अलग आता है, उससे इसको चिपकाया जाता है। ये भाई लगा रहे हैं इस पर कंप्लीट लगने के बाद, गम लगाने के बाद पूरा देख ले सब जगह बराबर कंप्लीट गम लगाए, एकदम नॉर्मल, ज़्यादा नहीं लगा कि डिस्प्ले से बाहर आ जाए या डिस्प्ले के अंदर चला जाए। ये भाई ने लगा दिया गम। गम लगाने के बाद हम इसका डिस्प्ले लगाएंगे, फिर क्या होता है डिस्प्ले चेक करेंगे, उसके बाद हम ये हम इसको धीरे से इसका डिस्प्ले लगाना है अपने को। ये लगा दिया कम लगाने के बाद, डिस्प्ले परफेक्टली लगा दिया भाई ने, एक बार चेक किया जाएगा उसके बाद उसको परफेक्टली रखा जाएगा। सैमसंग के फ़ोन की डिस्प्ले चेंज की हमने, ये परफेक्ट बेल्ट लगा दिया। अब बेल्ट को यहाँ से आराम से आपको लगाना है कि अंदर की पिन टूटे नहीं। कॉम्बो चेंज कैसे करते हैं उसकी ये प्रोसेस है। ये हो गया, भाई ने लगा दी पिन, ऊपर की कैमरे की पिन भी लगा दी। अभी ये चालू किया भाई ने फ़ोन, चार्जिंग में लगाकर चालू हो गया फ़ोन कम्प्लीटली, डिस्प्ले कम्प्लीटली वर्क कर रही है, भाई ने चेक कर लिया। बस अब इसके आगे की प्रोसेस, इसको पूरा फिट करना है फ़ोन को, जो भी इसके बोल्ट खोले वो लगाने हैं हमें, स्क्रू जो भी खोले वो। ये कम्प्लीट हो गया फ़ोन, बस ये चेक कर लिया। अब कैमरे चारों लगे हैं, कोई स्क्रू या बेल्ट कहीं छूटा नहीं, हमने चेक कर लिया। अब इसकी फिटिंग प्रोसेस चालू है, सब इसके जो नट बोल्ट है वो एक एक करके लगाए जाएंगे धीरे धीरे। ये भाई ने लगाना चालू कर दिया इसमें, पूरे बोल्ट एक एक करके आपको सावधानी से लगाने हैं, कोई बोल्ट छूटे नहीं तो क्या फ़ोन एकदम फिट रहेगा। अगर आप एक दो स्क्रू भूल जाते हो लगाना तो दिक्कत रहती है थोड़ी, किसी बार फ़ोन गिरता है तो वो पार्ट्स खुल जाता है, इसलिए बोल्ट पूरे लगाने हैं आपको एकदम, जितने आपने खोले उतने। ये भाई सब देखो बोल्ट लगा रहे, कहाँ कहाँ पे बोल्ट है वहाँ पे आपको निशान मिलते ही है। सब स्क्रू लगने के बाद इसके ऊपर कैमरे का ढक्कन लगाया जाएगा वापस, ये कैमरे के ऊपर का कवर है, ये लगा दिया भाई ने, दबा दिया, पूरा फिट करना है आपको, ज़बरदस्ती नहीं दबाना है, नया डिस्प्ले लगाया तो ध्यान से लगाए। बस ये रख दिया, अब यहाँ के चार स्क्रू और है वो लगाएंगे। लगने के बाद की प्रोसेस, आगे ढक्कन लगाया जाएगा इसका, फिर आपको पूरी प्रोसेस देखिए। पूरा वीडियो देख के कोई भी कॉम्बो लगाओ तो ध्यान से उसको खोले, ध्यान से लगाए, ध्यान रखे कौन सा बोल्ट खोलना है, कौन सा बेल्ट उतारना है उसका, कोई बेल्ट अगर निकला हुआ रह गया तो फ़ोन चालू नहीं होगा, ये चेक करके आप पूरा फ़ोन फिट करें कम्प्लीटली, जल्दबाजी से कुछ काम नहीं करें।